मुझे पता है कुछ लोग का मन यार हचक के कर रहा होगा मुझे गरियाने का। अबे यार 30,000 रुपए में आता है मोटो का H40, तो इसे कंपेयर करता है 40,000 वाले फोन से जो है वन प्लस का 11R। एक चीज और जोड़ लीजिए, 256 GB वाला जो वन प्लस का 11R है वो तो और भी महंगा है भाई। या तो आपके पैसे बचेंगे और नहीं तो यार आपके पास वन प्लस का 11R है, आप बहुत बड़े वाले भक्त हैं वन प्लस के, उसी वाले फोन की तरफ चले जाइएगा। यार वीडियो में थोड़ा सा लाइक, चैनल में पहली बार पधारे हो सब्सक्राइब कर दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए दोनों फोन का जो हैप्टिक फीडबैक है ये काफी कमाल का है जिस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। गूगल की सत्यवादी वाली आंटी आपको दोनों फोन में मिलती है, लेकिन वन प्लस के फोन में यार आप जुगाड़ करके गूगल की आंटी को हटा सकते हैं। दोनों ही फोनों में बहुत सारे 5G के बैंड है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, एक फोन ई सिम कार्ड को भी सपोर्ट करता है। वन प्लस के डिवाइस में नॉर्मल वाले 2 सिम कार्ड आप डाल सकते हैं। दोनों ही फोनों में कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है और ना तो हेडफोन वाला जैक है। तो भैया कॉलिंग के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से आप किसी भी डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, यहां पर यार बहुत बड़ा वाला खेला है। दोनों ही फोनों में एंड्रॉइड 13 मिलता है, 14 आएगा, 15 आएगा, 3 साल का सिक्योरिटी पैच भी है। लेकिन जो वन प्लस का डिवाइस है ये कहीं ना कहीं अपील देता है वही रियलमी का, ओप्पो का, कहने के लिए आप कह सकते हैं ये ऑक्सीजन ओएस है, एक भी इधर उधर वाली एप्लीकेशन नहीं है, IR रिमोट भी मिल जाता है और जो मोटो का UI है ये भी बिल्कुल साफ सुथरा वाला है। और सबसे कमाल की बात ये है सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, डबल एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं, रेडी फॉर PC का फीचर शानदार है, NFC का सपोर्ट दोनों ही फोनों में देखने को मिलता है और ये जो मोटो के जेस्चर है ना ये काफी कमाल के हैं। तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे इतना कहूंगा दोनों ही फोनों में आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते हैं। यदि आपको वन प्लस का UI पसंद है, आपके पास है वन प्लस का 11R। अब बात करते हार्डवेयर की, देखिए 30,000 रुपए में मोटो के H40 MediaTek का Dimensity 8020 वाला प्रोसेसर मिलता है और जो वन प्लस का 11R है यहां पर Snapdragon का 8+Gen 1 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। देखिए सीधे सीधे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आपको बहुत ज्यादा हैवी वाले गेम खेलने हैं आपको किसी भी फोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन दोनों ही फोनों में जो प्रोसेसर मिलता है प्राइस को देखते हुए वो ठीक है, एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर यार आपको ज्यादा मिल रहा है यार वन प्लस के डिवाइस में। भाई उस फोन का जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा है। दोनों ही फोनों में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X वाली रैम आपको वन प्लस के डिवाइस में देखने को मिल जाती है और जो मोटो वाले हैं ये आपको दे रहे हैं LPDDR4X वाली रैम। दोनों ही फोनों में कोई मेजर थ्रोटल इशू नहीं है, लेकिन फोन थोड़ा सा यार हीट होता है, चाहे वो वन प्लस का डिवाइस हो चाहे वो मोटो वाले हो। वन प्लस वाले 40,000 रुपए में इतना गजब का प्रोसेसर दे रहे हैं, लेकिन ये फोन में भी यार आप बहुत तगड़ी वाली गेमिंग नहीं कर सकते। यदि आपको मॉडर्न यूज करना है चाहे आप मोटो के डिवाइस में जाएं, 30,000 रुपए के हिसाब से अच्छा वाला प्रोसेसर है। आपको गेम खेलना है 30,000 रुपए में आपको और भी कमाल के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। 40,000 रुपए में Snapdragon 8+Gen 1 को मैं बुरा प्रोसेसर नहीं कहूंगा। अब आप यार अपना बजट देख लीजिए, बजट के हिसाब से काम करिएगा। प्रोसेसर लल्लन टॉप है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यार और भी लल्लन टॉप हो सकते हैं। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, और यहां पर मोटो वालों ने बता दिया है ये फोन महंगे वाले फोन को भी टक्कर दे सकता है। देखिए इस फोन का जो वेट है वो है 167 ग्राम और जो वन प्लस का डिवाइस है इस फोन का जो वेट है ये है 204 ग्राम। वन प्लस का डिवाइस प्रीमियम तो लगता है लेकिन कहीं ना कहीं वेट थोड़ा सा ज्यादा है और ये फोन मोटा भी है मोटो के डिवाइस से। वन प्लस के 11R में आपको 120Hz का AMOLED वाला डिस्प्ले मिलता है, वो भी 1.5K वाला। आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये है 1450 निट्स की, साइड में कर भी है, बैक का जो डिजाइन है ये मैट वाला है, आपके हाथ की उंगलियां नहीं छपेगी। लेकिन जो कैमरे का मॉड्यूल है ये थोड़ा सा यार बड़ा सा लगता है, साइड में अलर्ट स्लाइडर भी है। डिस्प्ले और डिजाइन के मामले में वन प्लस का डिवाइस आपको बिंदास लगेगा, प्रीमियम भी है। डिस्प्ले का जो साइज है ये बड़ा वाला है, लेकिन जो मोटो का यार H40 है ये काफी प्रीमियम है और जो डिस्प्ले का साइज है ये हैंडी वाला है 6.5 इंच का। वेट तो बहुत ही हल्का है, बहुत ही पतला वाला फोन है, साइड में कर भी मिल जाता है, 144Hz का OLED डिस्प्ले। आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये है 1200 निट्स की, HDR 10 प्लस का सपोर्ट आपको दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाता है। 30,000 रुपए के हिसाब से मोटो का H40 में जो डिस्प्ले मिल रही है ये काफी बवाल वाली है। पीछे की तरफ एक्रेलिक ग्लास है, इसे आप कह सकते हैं
प्लास्टिक से थोड़ा सा ऊपर, ग्लास से थोड़ा सा नीचे, बैक कवर भी आपको मिल रहा है, वो भी प्रीमियम वाला। बस यार आप दोनों फोन में टेम्पर्ड ग्लास पक्का लगवा लीजिएगा। खुदा ना खास्ता आपका फोन गिरा, बहुत ही जल्दी से टूट सकता है, और एक बार डिस्प्ले गई बहुत भारी वाला नुकसान होगा। मेरी पहली पसंद यार मोटो का H40 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट वाला, बहुत ही हल्का वाला और बहुत ही पतला वाला डिजाइन है। साइड का जो फ्रेम है ये भी यार मेटल वाले हैं। मोटो का H40 पतला है और साथ में जो बैटरी है ये भी पतली वाली है, 4400 mAh की। बिंदास यार आपका एक दिन निकल जाएगा यदि आप मॉडरेट यूजर हैं। यदि आप हैवी यूजर हैं हो सकता है यार आपको दिन भर में दो बार चार्ज करना पड़े। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 68 वॉट का, अप्रॉक्स यार 20 मिनट लगेंगे 50% तक की बैटरी चार्ज हो जाएगी। और कमाल की बात ये है ये फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अंडर 30 के नथिंग फोन 1 में भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहां पर बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं है। वन प्लस वाले आपको 5000 mAh की बैटरी देते हैं। बिंदास यार आपका एक दिन निकल जाएगा। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 100 वॉट का, आपको वही लगेंगे यार आधे घंटे के आसपास। बैटरी अच्छी है, चार्जिंग अच्छी है, पैसा भी अच्छा है। दोनों ही फोनों में इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट है, बहुत फास्ट है, बहुत एक्यूरेट है, साइड माउंटेड का कोई भी खेला नहीं है किसी भी डिवाइस में। अब बात करते हैं कैमरे की। देखिए वन प्लस वाले बैक की तरफ आपको 50+8+2 MP का सेंसर दे रहे हैं और जो सेल्फी कैमरा है वो है 16 MP का। मोटो के H40 में बैक में 50+13 MP का कैमरा है, 2 MP वाला कोई खेल नहीं है। यार वन प्लस वालों आप इतना महंगा वाला फोन लॉन्च कर रहे थे, 2 MP की जगह कुछ और दे देते बड़ा अच्छा लगता। आगे की तरफ जो सेल्फी कैमरा है मोटो के डिवाइस में वो है 32 MP का। सेल्फी कैमरा आपको दोनों फोन का जचेगा, आपको सुंदर बना देगा। जिनको 4K 60 FPS वाले वीडियो रिकॉर्ड करने हैं आपके पास है वन प्लस का डिवाइस, लेकिन कमाल की बात यह है OIS का सपोर्ट आपको दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाता है। वीडियो की जो क्वालिटी है ये आपको ज्यादा बेहतर लग रही होगी वन प्लस के 11R में, लेकिन कहीं ना कहीं 30,000 रुपए में मोटो H40 का वीडियो आपको डिसेंट लगेगा। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। देखिए 40,000 रुपए के हिसाब से वन प्लस के 11R में जो कैमरा मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। और जो मोटो वाले हैं ये आपको ओमनी विजन का सेंसर दे रहे हैं, 30,000 रुपए के हिसाब से फोटो को मैं ठीक कहूंगा, इससे भी और भी बेहतर फोटो हो सकती थी यदि ओमनी विजन के अलावा कोई और सेंसर होता। कैमरे में धीरे धीरे करके यार मोटो वाले काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इस वीडियो में जो फोन कैमरे में आपको जच सकता है वो है वन प्लस का 11R। फोन का प्राइस भी ज्यादा है, सोनी का सेंसर है, कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड वाली जो फोटो है ये मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है मोटो के H40 की। वन प्लस वालों ने जितने भी अपडेट दिए ना उसके हिसाब से फोटो आपको ऐसी ही अभी लगेगी, बाद में भी जितने भी अपडेट आएंगे तब भी यार यही वाली फोटो आपको मिलेगी। नाइट का जो कैमरा ये मुझे ठीक लग रहा है। अब आप बताओ जिस प्राइस ब्रैकेट में मोटो का H40 आता है अंडर 30 के, क्या कैमरा बेहतर है? 40,000 रुपए के आसपास आता है वन प्लस का 11R, क्या 40,000 रुपए में वो फोन अच्छी वाली फोटो दे रहा है कि नहीं दे रहा? दोनों ही फोनों में डॉल्बी एटमॉस का फीचर है। अब आप साउंड सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। ये था वन प्लस का 11R। भाई साहब मोटो वालों ने यहां पर कौन सा स्पीकर दिया है, डबल वाला, बहुत ज्यादा लाउड है। वन प्लस के 11R को अच्छी वाली टक्कर देता है। कहीं ना कहीं मोटो वालों ने काफी जबरदस्त स्पीकर दिया है मोटो के H40 में। IP68 की भी रेटिंग मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। Wi-Fi 6 दोनों ही फोनों में मिल जाता है, ब्लूटूथ में भी यार कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए 30,000 रुपए के हिसाब से मोटो के H40 में जो चीज मिल रही है ये काफी धासु है, चाहे वो डिस्प्ले हो, डिजाइन हो, प्रोसेसर हो, सॉफ्टवेयर हो। ये फोन यार वीवो वालों को काफी कड़ी वाली टक्कर देने वाला है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। जो लोग सुंदर वाला फोन लेना चाहते हैं उनके लिए मोटो का H40 बहुत ही बिंदास वाला डिवाइस है।
थोड़ा सा कैमरा और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। बजट आपका ज्यादा है, OnePlus के बहुत भारी वाले भक्त हैं, अच्छी वाली डिस्प्ले लेना चाहते हैं, कमाल का कैमरा होना चाहिए, तो भाई आपके पास है OnePlus का 11R इस प्राइस ब्रैकेट में। OnePlus का और कोई फोन नहीं है जो आपको मिल जाता हो। अब आप बताओ, यदि आपको बजट का इशू नहीं है, आप कौन से डिवाइस की तरफ जाएंगे? अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।